वेलकम यू ऑल गाइस। हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही, तो आज मैं जिस टॉपिक से आपको रूबरू करना चाहता हूँ, वो बहुत दिनों से आप उसके पीछे भाग रहे हो और आज भी भाग रहे हो। आज 1 मार्च है, तो आज भी आप सोच रहे हो कि कब तक नीट यूजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज भी आप बहुत इंतज़ार करते रहे हो। तो एक चीज़ आपको सूचना करना चाहता हूँ कि अब टाइम आ चुका है जब ये नोटिफिकेशन आने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, मैक्सिमम 7 मार्च को आने वाले हैं। क्योंकि मैं कारण के बिना और कुछ आर्गू देकर के मैं बात ना करता, आपको पता है। तो पहले रीज़न तो ये है कि पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च होंगे फॉर 1 मंथ के लिए वैलिड होने वाले, पहला चीज़ तो ये हो गया। अब सेकेंडली कलेक्शन विंडोज ओपन होंगे 15 डेज़ के लिए, देन 7 डेज लगते 7 to 8 डेज टू रिलीज द एडमिट कार्ड। तो हो गए ना 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने आप थोड़ा और 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो, तो 7 मार्च से लेकर के 7 मई को हमारा एग्ज़ाम है, तो उतना तक तो आपकी सारे काम करवाई हो जाना चाहिए। तो इस दिनों के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। और जिस तरीके से मुझे लगता है, जिस तरीके से स्टैटिस्टिकली हम देखते हैं कि कब आ सकता है, तो मुझे लगता है 6 मार्च को ही ये चीज़ लॉन्च करने वाले हैं NTA ने। 22 नीट UG में भी 6 अप्रैल को ये चीज़ करे थे उन्होंने, और आज भी मुझे ये लगता है कि उन्होंने 6 मार्च को भी ये चीज़ होने की संभावनाएँ 90% है। तो को लेकर के और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं आपको, है ना। तो हमारे बात हो चुकी है, ठीक है, तो इसके पीछे और मत भागना, ठीक है। तो ये हमारी पहली मुलाकात है फेस टू फेस, ठीक। तो आने वाले दिन में भी मैं इसी तरीके से आपसे मिलूँगा, कुछ गुंजारिश करूँगा आपसे, तो दिन आप कुछ चलते आगे, ठीक है। और इसके साथ मैं और एक चीज़ आपसे बहुत बहुत दिल से, तय दिल से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोज़ तो देखते हो, नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब देखते हो तो कुछ ना कुछ कमेंट तो करना, लाइक्स तो करना चाहिए आपको। मेरा कुछ जगह में मुझे पता है कि क्या क्या मुझे गलती हो सकती है, लेकिन आपकी नज़र में क्या क्या मुझे कमियां रह गई, चीज़ें आपको बोलना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो कमेंट कर देना मुझे, जिस जिस वीडियोस को मैंने बनाते रहा हूं, उसमें कमेंट ज़रूर करना कि मेरा कमियां कहां पे है, ठीक है ना। तो अब पटोगे नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, ज्ञान तो नहीं, ये आपकी धारणा होगी, कॉन्सेप्ट होगी, जो हमसे आप शेयर करोगे, रूबरू होगे, ठीक है ना। तो ये ना करोगे तो कैसे इम्प्रूव करेंगे हम, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि टाइम पास करने के लिए मैं कुछ रिलीज़ कर रहा हूँ, जैसे कि फ़िलहाल मेरा ये मतलब बद्ध हो करके मुझे ये करना पड़ा, एक्स्ट्रा क्लास सीरीज़ को मुझे इतना मेहनत के साथ मैं ये कर रहा था। आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, आपका क्या ज़रूरत है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली है क्या ज़रूरत, वो तो बताओ, आप वो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है लाइक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कमेंट तो कर दो कि क्या कमियाँ रह गई, क्या करने से आपका बेहतर होती, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या नहीं करूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप तो कमेंट में बता सकते हो ना। आप नहीं बताओगे तो हो सकता है ये चीज़ और भी सारे लोगों के पास ना पहुँचे। आपकी कमेंट, आपका लाइक को देख करके यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो रीड करती है हमारे वीडियो को, देन उसके बाद ये और भी सारे जगहों में फैलती है। तो आप यदि ये चीज़ ना करोगे तो किस तरीके से और भी लोगों के पास पहुँचूँ, हो सकता है आपको जिस चीज़ लगते है कि ये मीनिंगलेस है, वो दूसरे लोगों के लिए ये बहुत मेहनती चीज़ हो जाए। तो इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि अब तक जिस जिस वीडियोज़ को आपने देखे हो, लगता है कुछ कुछ कमियाँ रह गई या फिर कुछ इंक्लूड करना बाकी रह गया, या फिर सही भी है, आपको अच्छा लगा भी, तो फिर जाके लाइक एंड कमेंट तो कर सकते हो ना। और कुछ बाकी रहेगा, कुछ कमियाँ रह गया, वहाँ पर लाइक करने की ज़रूरत है नहीं, आप कमेंट में कुछ बोल दो कि भैया या फिर सर ऐसा है, ये चीज़ें आपसे करी है, आप जो भी आप समझ रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको चाहिए तो वो भी बताओ ना, इतना मेहनत लगता है भाई, तो वो तो आप आपके लिए करता हूँ ना। अब देखो, लोग फेम के लिए कुछ करते हैं, मनी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन मुझे वो मतलब वो तो एक चाहिए आपको एक भरोसा लगने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत, सही की मतलब लोगों के काम में आते हैं, एग्जैक्टली लोगों के काम में आते हैं, और आपको आपके अनुभव से लोग को और भी सहज और सरल तरीके से उनके जीवन में आगे चलने की रास्ता आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हो सकता है वो चीज़ आपको बुरा भी लगे, हो सकता है वो चीज़ आपको ज़रूरत ना हो, फिर भी दूसरे बंदे को भी तो ज़रूरत हो सकती है। तो हमेशा मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ कि मुझे जो वीडियोस, जो भी चीज़, जो भी कंटेंट मैं देखता हूँ एक बार टाइम लेकर के, और उसको मुझे लगता है कि ये कमियाँ रह गई, मैं वहाँ पर कॉमेंट करता हूँ,
कम से कम कमेंट करके मैं बोल देता कि ये करने से शायद अच्छा होता, या फिर हमें ये ज़रूरत होती है मुझे लगता है। तो अभी ये क्या करूँ ना, कोई फीडबैक नहीं आई आज तक, तो मैं किस तरीके से और आगे बढ़ूँ, है ना। बढ़ूँगा तो सही, लेकिन आपको जो नीड नहीं है वो यदि दूसरे के पास ना पहुँचे, यदि वैसा है कि और कोई बंदा है जिसको आपकी तरह इतना यू नो एडवांस नहीं है, जिनको ये बेसिक चीज़ें नीड है, तो उनके पास भी तो नहीं पहुँच रहे ना। तो प्लीज़ आप लाइक करो, डिसलाइक करो, या फिर कमेंट करो। कमेंट तो ज़रूर करना है आपको, कुछ ना कुछ आपका अनुभव से कि ओके, कुछ ना है तो ओके, ओके भैया, ओके सर, ऐसे करके कर दो ना, तो अच्छा लगता है और लोगों के पास भी पहुँचते भी है ना। आप शेयर मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर से करना है आपको। प्लीज़ देखो अपने से विचार करके, और मुझे ये फीडबैक देना कि आगे चल के मैं जो एक्स्ट्रा क्लास सीरीज़ है उनको कंटिन्यू करूँ, कितना टाइम के लिए करूँ, वो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। और इसको ना पसंद करना कोई बात नहीं होती, ये पसंद हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन किस तरीके से करने से ये बेहतर बन सकती है ये तो आप कमेंट में बोल सकते हो मुझे। बस इतना सा कर दिया करो, ठीक है। जो भी वीडियोस आज तक देखे हो थोड़ा बहुत टाइम निकालो, और उसको बहुत सारे कंटेंट मैं आज तक बनाया हूँ, तो कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं पाया मैंने, है ना। बहुत लोगों की ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया ये मिल सकता है क्या, ये पीडीएफ मिल सकता है क्या, इसका प्राइस कितना हो गया। अरे मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही एकदम ऑटोनोमस बॉडी, मतलब मुझे जो अनुभव है, मुझे जो लगता है सही, और मेरे एनालिटिकल माइंड से जो भी मुझे आपके लिए रिप्रेजेंट करना होता है मैं ये करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे इस फील्ड में पकड़ है, तो इसीलिए मैं आपसे कुछ बोलता हूँ, कुछ करता हूँ, जो जो मुझे फ़ायदा लगा वो आपके साथ बांटता हूँ। तो आपको भी ये करना चाहिए ना, मुझे इम्प्रूव करो ना, क्या बात है ना। और दूसरों के पास पहुँचाओ कि वैसा बंदे तो हो गए जिसको आपको शायद ज़रूरत ना है, लेकिन उनको तो सारी ज़रूरत हो ही सकते, तो मेरा कमियाँ है या फिर सही है गलत है, क्या क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम निकल के बोल दिया करो कमेंट में, ठीक है। जाके देख लो, 60 के ऊपर मेरा कंटेंट है अभी, तो जाके प्लीज़ उस वीडियोस को जो जो आपने देखे, जो जो आपको उस टाइम पे ख्याल आए होंगे, आप वीडियोस को लिफ्ट कर रहे होंगे या फिर पूरा देखे हो, तो लाइक भी कर दो, डिसलाइक कर दो, या फिर कमेंट भी कर दो ना प्लीज़। ये तय दिन से आपसे मिनती है मेरा, तो चलो आने वाले दिन में हम फिर से मिलते हैं। जो जो मैंने बोला था लास्ट मेरा जो वीडियोस थे, जो मैंने न्यूरॉन्स किस तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो वीडियोस की जो लिंक है, वो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूंगा, और उसमें आप जाके चेक करना, क्या शानदार कॉन्सेप्ट है, तो वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो मैं खुद सभी के साथ मिल करके, सभी से लेकर के मैं खुद मॉडिफाई किया, वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस चैनल का पर्पस सिर्फ नीट यूजिंग नहीं है, लाइफ में किस तरीके से आप अपनी पाथ को, अपनी गोल को अचीव कर सकते हो, या फिर उनको किस नज़र से देख सकते हो, ये नज़रिया उनको थोड़ा अलग अंदाज से बात करने के लिए है। फिर भी मैं मेरा तजुर्बा को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए, है ना। तो प्लीज़ कुछ बुरा मत मानना, लेकिन सपोर्ट करना ज़रूर। कैसे? कमेंट करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं, आपको क्या चाहिए मेरे पास बोलो, आप वो भी नहीं करते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं हूँ, मुझे कुछ इसके बगैर कोई प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है ना, मुझे कुछ मिलता नहीं, ठीक है ना। और रही बात मैं क्यों करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दी है ना, बांटने से ज्ञान अच्छा होती, क्योंकि मेरे पीछे ये जो है ना मेरा वार्डरोब, भाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीट देख रहे हो ना आप स्टिकी नोट, अंदर में एक चीज़ लिखा है जो मैं आपको बाद में कोई बताऊँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ मैं अनुभव किया और तब जाके आपको बोलने की कोशिश की, लेकिन आप कुछ करें नहीं हो, तो कैसे चलेगा यार, कैसे चलेगा, आप अपने से विचार करो। तो प्लीज़ बहुत लेंदी वीडियोस हो जाएंगे, है ना, बहुत लेंदी हमारे पहली फेस टू फेस मुलाकात हो चुके हैं, तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप ज़रूर मत भूलिएगा कमेंट करने से, लाइक या डिसलाइक करने से, शेयर आपके हाथ में लगता है तो कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूर बोलना है मेरा क्या गलती है, मेरा क्या सही है, क्या आपको ज़रूरत है, ठीक है, प्लीज़ आपके हाथ में है ना। तो चलो आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस रिलेटेड, और एक्स्ट्रा क्लास जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दोगे, तब जाके मैं इसे
कंटिन्यू करूंगा। ये बात तय है कि 2023 जो आने वाले 2 महीनों हैं उसके अंदर में पूरा सिलेबस में कवर नहीं कर सकता। आप कुछ कुछ टॉपिक मुझे बोल देना, ठीक है। ऐसे भी मेरी तरीके से जो मुझे लगता है वो तो आपको बोलूँगा ही, वो एक्स्ट्रा क्लास में आपको करवाऊँगा ही, लेकिन फिर भी कुछ सही कॉन्सेप्ट जो बायो की कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जब आपको लगता है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे आप सुनना चाहते हो कुछ, एक बार देखना चाहते हो मेरे से, तो वो मुझे बता देना, तो मैं वो करने की पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो वो भी एक्स्ट्रा क्लास की जो लिंक है, लास्ट वाले जो एक्स्ट्रा क्लास, वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने हो तो जाके प्लीज़ चेकआउट करना। बढ़िया से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ चीज़ें, बहुत खुल के डाइसेक्शन करता हूँ बहुत सारे टॉपिक्स की, ठीक है। तो दोनों वीडियोज़ के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जाके प्लीज़ चेकआउट करना और कॉमेंट ज़रूर से करना है आपको। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो नीट का। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको तुरंत शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट गिफ्ट फॉर सेइंग, मैं बार बार आपको कहती हूँ, और साथ रहो, काम करते साथ में, तभी तो ये देश, ये धरती आगे बढ़ेगी। हमारी मुसीबतों से लगाम पाने की एक ही अवतार है कि हम साथ मिलके हमारे ज्ञान को, अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करें, बटें, उनको एनालिसिस करें, सही करें, यदि गलत है तो और भी इम्प्रूव करें। चलो मिलते, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप हसलिंग।